हर साल की तरह इस साल भी राजपूत सेवा मंच ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह की जयंती अनोखे अंदाज में मनाई है। इस साल महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में राजपूत सेवा मंच द्वारा स्कूलों में विद्यार्थियों को स्कूल बैग, वाटर बॉटल्स, कंपास बॉक्स, टिफिन बॉक्स का वितरण किया गया। आइए देखते हैं। राजपूत सेवा मंच नागपुर पिछले 7 वर्षों से समाज के गरीब बच्चों को शिक्षा और आर्थिक मदद कर रहा है और स्वास्थ्य सेवा में आर्थिक सहायता करता है। वहीं सोमवार को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में राजपूत सेवा मंच द्वारा सुबह ठीक 9 बजे सुशील सिंह चौहान के मार्गदर्शन में और रश्मि बेस की अध्यक्षता में और संयोजक सुशील सिंह गहरवार द्वारा प्रताप नगर माध्यमिक विद्यालय साथ ही हिंगना तहसील के डेगमा खुर्द जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में विद्यार्थियों को स्कूल बैग, वाटर बॉटल, कंपास बॉक्स, टिफिन ऐसी पूरी पाठ्य सामग्री वितरित की गई। डेगमा खुर्द आदिवासी इलाके में स्थित है, जहां संस्था ने आदिवासी विद्यार्थियों को उनके शिक्षा हेतु स्कूल पाठ्य सामग्री का वितरण किया। इस दौरान स्कूल पाठ्य सामग्री पाकर विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी देखने मिली। राजपूत सेवा मंच पिछले 7 वर्षों से आर्थिक दृष्टि से कमजोर बच्चों को उनके पढ़ाई में मदद कर रहा है। आज महाराणा स्मृति जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में आज कुछ स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स, कंपास बॉक्स का वितरण किया गया। महाराणा प्रताप स्कूल में इसका वितरण किया गया और आदिवासी एरिया में जो आप देख रहे हैं डेगमा, यहाँ पर हमने आके स्कूल बैग का वितरण किया गया। बच्चों के चेहरे पे खुशी देखते बन रही है, इसके लिए मैं अपने पूरे टीम को धन्यवाद दूंगी। इस आयोजन में चंद्रशेखर सिंह गहलोत, रितेश सिंह, कपिल सिंह सिंघेल, प्रदीप सिंह बेस, संजय सिंह, सुनील सिंह, एकता गहरवार और नीता सिंह का विशेष सहकार्य प्राप्त हुआ। साथ ही आने वाले जून माह में संस्था द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन ग्रामीण इलाके में किया जाएगा, ऐसी जानकारी संस्था के सचिव नितिन सिंह गौतम ने दी। एकता गहरवार, BCN News, नागपुर।